अनूप शहर अन्नदाता किसान कड़ाके की ठंड में लगा रहे खेतों पर पहरा। इस भयंकर कड़ाके की ठंड में किसान अपने अपने खेतों पर बारी बारी से रखवारी कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं से किसान बहुत परेशान है। सरकार आवारा पशुओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसान के पास परिवार का पालन पोषण करने के लिए केवल मात्र एक खेती है। इस खेती को आवारा पशु हानि पहुँचा रहे हैं। जगह जगह गौशाला खोल जाने पर भी गोवंश सड़कों पर खेतों में घूमते रहते हैं और फसल को खाते रहते हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसान को ना घर में चैन है ना ही खेतों पर। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इंसा संवाददाता और मेरे सहयोगी डॉक्टर योगिन प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। तो इस समय पर तहसील अनूपसर के गांव शेरपुर के जंगल में हमारी टीम आई हुई है, जो कि किसान लोग इस यहां पर इस कड़ाके की ठंड में अपने फसलों को रखा रहे हैं आवारा पशुओं से। तो देखते हैं, आपको दिखाते रहेंगे आवारा पशुओं से और किसानों से बातें करते हैं कि कड़ाके की ठंड में यहां आकर के वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आवारा पशुओं से फसल को रखा रहे हैं। आइए देखते रहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबिर है जी। किस गांव से हैं आप? मैं शेरपुर गांव से हूं। तहसील कौन सी पड़ती है? तहसील अनूपसर पड़ती है जी। और जिला? जिला बुलंदशहर। आप ही बताइए, इस कड़ाके की ठंड में इस खेत के किनारे पर आप क्या कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी परेशानी है, ये गाय हैं, आवारा पशु हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही हैं फसल। रात को इन्हें हम रखाते हैं, दिन को जो छोटे छोटे बच्चे रखाते हैं, और इन गाय से जी बहुत दुखी हैं, सभी फसलें नष्ट करती हैं। रात्रि में जैसे गवर्नमेंट वायदा कर रही है कि जगह जगह हम गौशाला खोल रहे हैं, किसानों की हम मदद कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हमें इस सरकार में बहुत बड़ा फायदा हुआ। पहले हम बेरोजगार थे, पहले हमारे पास मियाँ बीवी के पास कोई रोजगार नहीं था। जब से योगी सरकार आई है, अब दिन को मेरी पूरे दिन घरवाली ड्यूटी देती है गायन की, मैं दिन को मैं देता हूँ। हमारी दोनों मियाँ बीवी की ड्यूटी लगी हुई है, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हमारी दोनों टाइम हम खुशहाल हैं जी। दोनों टाइम हमारी ड्यूटी लगी हुई है बरकरार, विकास बढ़िया हो रहा हो। शहर जाओ, शहर एक कट्टा पे या तो जो फालतू कुछ चीज़ ले और एक यूरिया का कट्टा ना मिलेगा, और हमें अगर कट्टा लाओ तो हमें एक कट्टा 400 रुपये का पड़ रहा है। इसमें ब्लैक बाजी चल रही है, सब आँख अंधो जी। किसान के संग में अत्याचार हो रहा है जी। इनके गाय फसल लूट रही हैं, इनके अनूप शहर में ये दवाई वाले खाद वाले ये लुटाई कर रहे हैं जी। किसान का बुरा हाल है,